आई हम विजेंद्र गिरी सोनो टेक कंपनी के माध्यम से रुवे सके भगवान के चर्चा भगवान के लीला ये संसार में सबसे उत्तम है। रामचरितमानस चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण बा कितने उपपुराण बा 108 उपनिषद बा वगैरह वगैरह बहुत हिंदू समाज में पुराण रखल बा। लेकिन सगरी किनचोर गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में मानस का है भाव सागर है मानस रूपी सरोवर है जाने में हमने डुबकी लगाई सोनो टेक कंपनी के माध्यम से अकेले नहीं इमें हमार बड़ भाई तपेश्वर चौहान जी बाने आ हमने कलाकार सबानी पूरा भोजपुरी समाज के पूरा यूपी बिहार झारखंड के जहाँ तक भोजपुरी भाषा बा सब भाई बंधु माता बहन बेटी के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार ताई तनी मानस में चलल जा चौहान भाई तन ध्यान दी हो समय के बात बा तुलसी बाबा लिखले बा एक बार जी के मन में गलानी भइल चिंता भइल कि हमरा पुत्र रहते त आज लोग हमरा के निसंतानी ना कहि त पहिले का गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला चनन लागी करी विनय विशाला माही आ भयउ गलानी मोरे सुतना ही। राजा दशरथ के मन में चिंता भइल कि आज संतान रहते अयोध्या के लोग नर नारी हमरा के निसंतानी ना कोई कहे कि राजा दशरथ जी के मालूम हो गए रहे कि इंद्र भगवान के दरबार में हम जाई ले त इंद्र भगवान वो आसन के धोवावे लेकिन निर्वंशी बने एक और ही कारण हो गई एक बार भूपति मन माही जेकरा संतान ना होला करा हजार बार चिंता होला राजा दशरथ सम्राट अयोध्यापति नरेश के एक बार सिर्फ कहे चिंता भइल कि हमरा संतान के आवश्यकता बा या अयोध्या के नियम रहे तार किशोर जी केहू के भी लड़का हो के बाल बच्चा आय हाय राजा वही के कहल जला हर प्रजा के केहू के भी संतान हो के त सबसे पहले महाराज दशरथ जी के गोद के सामने आवे जौना से राजा के जीवन में ना बुझाइल कि हमरा संतान के आवश्यकता बा। लेकिन एक दिन एगो प्रजा के बेटा भई आ राजा के दूत गैले मांगे खाती अयोध्या के नियम रहे केहू के भी संतान हो के तो राजा के लगे जाओ तब राजा के दूत जाके कहत कि हो तहरा लड़का भइल बड़े आदेश जानते बाड़ू अयोध्या के कानून जानते बड़ू अपना बेटा के द राजा की गोद में पहले जाए कहत का अरे तो नीला नवारती तू ना अरे तो नीला नवारती तू ना कि हमरो राजा जी हो खेलई श्रोता समाज विचार करी कैसन विचार है सम्राट अयोध्यापति नरेश राजा के दूत कहले कि अपना लड़का के दा हमरा महाराज के गोद में खेली उ औरत कहलस की आए है हमार बेटा ओ निसंतानी के गोद में ओ निर्वंशी के गोद में ना जाई हमरा दरवाजा से लौट जा ऐसे भी नेचुरल बात बा एको हजार बेटा होखे आ जाके हमने सन गरीबो आदमी से केहू कह दे कि अपन लड़कवा एगो दे दो काहे के इतना लड़का जन्म ले बड़ा मन करी देवे के मन कर की कहतर के मन लाद में के भोले मार प्रजा के औरत कलश की नहीं हमार लड़का और निसंतानी के गोद में और निर्वंशी के गोद में ना जाए। राजा के ही बतिया के चिंता भइल कि आज ले हम अपना अयोध्या के शहर सब लोग के अपन संतान समझनी लेकिन प्रजा के औरत
हमरा के निसंतानी कह दिल की उहे राजा की चिंता भइल। ए बात के तुलसी बाबा लिखनी हो एक बारे अरे भूपति मन माही कि भयउ गलानी मोरे सुतनाही। राजा के चिंता भइल कि आज संतान रही ए प्रजा के औरत हमरा के निसंतानी ना कहले रही। फेरे बतिया के बाबा लिखले बन कि गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी के हाँ ए बाब संतान खातिर लोग हंस दिहल। उहे सम्राट अयोध्यापति नरेश गइले अपना गुरु महाराज की हाँ। इस संसार में एक और बात देखो तपेश्वर भाई, इस संसार में जितना देखो तर सब गुरु के महिमा हो। राम के अवतार कहे भाई साधु के सेवा करे खातिर, देखो है साधु कितना दमगर होला। गैले हाँ गुरु की हाँ आ जाके कहत अरे बसिष जी से अरे गुरु हो गोसैया रौरो अरे परतानी पैया रौआ जानते बानी। बाबा रौआ तो जानते बा, ई कोनो नया बात नहीं कि हमरे ले नहीं खे। अरे गुरु हो गोसैया रौरो अरे परतानी पैया रौआ जानते बानी कि रघुकुल के ई है बा कहानी रउआ जानते बानी। रघुकुल के ई है बा कहानी रउआ जानते बानी। हे महाराज तब सब जाना कर गुरुवशिष्ठ कल की राजा तू सम्राट अयोध्यापति नरेश आ तारा आंख सासु राजा इतना भारी तारा क्वेश्चन की दर्द हो गई हो। बहुत तरह की बाबा का कह घरबा में बारी हमारा तीन तीन गोरानी रउआ जानते बानी। घरबा में बारी हमारा तीन तीन गोरानी रउआ जानते बानी। बाबा एक औरत के चलावे हमरा तीन गोरानी बाड़ी आ तबो अयोध्या के लोग। अरे लोगबा कहेला नि संतानी रउआ जानते बानी। लोगबा कहेला नि संतानी रउआ जानते बानी। अतने ना गुरुदेव हे स्वामी जी अतने ना बाबा बेटा भी न सुना राजधानी रउआ जानते बानी। बेटा भी न सुना राजधानी बाबा जानते बानी। महाराज जी इतना बात जब गुरु वशिष्ठ जी सुन कहनी कि राजा इतना अधीर मत होख, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। तुलसी बाबा ये बात के लिखत हैं तपेश्वर भाई कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ आ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। वशिष्ठ जी कहले कि राजन हमरा बात पर तू विचार करो, विचार करो कि धारहु धीरे होई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भक्त भय। हे राजा तू सबुर करो, धीरज धरो। एक बेटा खातिर उतर हमरा दरबार में, एगो लड़का खातिर सम्राटों के इतना अशुभ होत रह। एक दिन समय आई कि तहरा चार गो पुत्र हुई, चार चार गो। राजा के बड़ी बड़ी प्रसन्नता आई कि एगो बेटा खातिर हमने रोआ तानी, एगो बेटा खातिर लोग नि संतानी कहता, हमार स्वामी जी हमार गुरु महाराज कहतनी चार बेटा हुई। कहले कि महाराज ये करू उपाय का बा, कहले कि उपाय बा एकरा खातिर तो एक काम करो,
अयोध्या में जाके पुत्रवेष्टि जग करावो। आ जग जब संपन्न हुई तो तारा एगो प्रसाद मिली हम बताए। कह तारे का तारा जा जाके करो जग एगो भाई। दशरथ इकरा खाती पुत्र वेशी जग करावो। आ जग जब होई तो हम बताओ तनी का होई। ते बात के तुलसी बाबा लिखले बने गुरु वशिष्ठ श्रृंगेरी से ही बुलावा अशुभ काम शुभ जग करावा। तब भक्ति सहित मुनि भक्ति सहित मुनि आहुत दीन है अप्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। जब जग में बसा भाई हवन भइल त हवन कुंड से अग्नि देता हब लेके प्रगट भइनी। हब वही के कहल जाला जाने में चावल रहेला दूध रहेला चीनी ना रहेला। वही में चीनी डाल देव तो तस्मई हो जाई खीर हो जाई। वही में किशमिश काजू डाल देव तो तस्मई हो जाई करी का मीठा डाल देव तो रसिया हो जाई। अब अग्नि देवता हब लेके प्रगट भइनी। अब वे हबी गुरुपति जी कनिक राजन ए प्रसाद के ले जा ए खीर के ले जा तीनों रानी के जथा जोग बना के पवा दीह गुरु के कृपा हुई तारा चार गो बेटा हो। राजा लेके चलता रे प्रसाद के आ तीनों रानी से कहत रे का किया बचनी मनवा में कुशिल्ला सुमित्रा के कही। चौहान भाई तन ध्यान दियो बड़ भाई हो थोड़ा ध्यान दो। रामचरित मानस का हो मानव रूपी सरोवर हो इमे स्नान कैला से इस सारा शरीर के पाप गंदगी सब धोआ जा। अब जाने मना मामी अरे कर तू फिकीरा खीरा खाना। कुशेला कली की महाराज सही कहता नहीं इके दिया लो। कल के आए हाय हाय जारे पगली ई महाराज अयोध्या पति नरेश के वचन सुनक ई अपन गुरु महाराज वशिष्ठ जी देले बानी। अब जानी मानावा में अरे कर तू फिकीर खीरा खाना। महारानी खीर खा प्रसाद खा गुरु महाराज के हो गुरु के कृपा बिना दुनिया में कुछ ना होला। देखो गुरु के कृपा भइल बा प्रसाद अपन स्वामी जी देले बानी। अब जानी माना मामा कर तू फिकीरा खीरा खाला रंग। महारानी अरे खुली जाई तकदीर खीरा खाला रंग। पहला पिजी नर बाबा परिकल कीरा
खीरा खाला रनिया महारानी। अरे खुली जाई तो कदी रखी रखा ला रनिया जथा जोग बना के आ तीनों रानी के प्रसाद के दिहल गई। तीनों रानी और प्रसाद के पौली हो बाबू हो देखो है गुरु के कृपा कैसन हो। हाय हाय हाय। अब तीनों रानी जब प्रसाद के पौली समय के अनुसार एक महीना बीतल दो महीना बीतल महीना बीते लागल तब बाबू दिन तागल बड़ी सुंदर। आय हाय हाय। पागले नहीं क्या जानत जब जब ये धरती पर अत्याचार होला तब तब वो ईश्वर के अवतार हो। तब बाबू अरे समय जब आवे लगल नदी तारकेश्वर जी तो देखा एगो सोहर के भाव लागत दिया रानी के अपना अपना शरीर का और तीनों रानी ताकतरी मन बड़ी खुश बा अगराइल बड़ी उ ताकतरी उनका का और उ ताकतरी उनका का और देहिया उ बड़खा भड़ मानवा इने उने चटक मटक का और जाए लगा। तब महाराज से तीनों रानी कहतरी की सरकार हमने के बुझा था कि गुरु जी के कृपा हो गई बा। आय हाय। कि हमार मन कर हो राजा कहने की महारानी का मन करता कैसन ताल अनुमान बा कहता कि का कही महाराज मानवा तो कुछ ऐसा बुझाता है गुरु के कृपा एकदम साक्षाते हो गई बा। कि हमार मन कर हो कि हमार मन करे खाए के खटाई पिया भावे ना मिठाई पिया हो के बाद सुन के महाराज अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ जी बड़ी प्रसन्न बाने राजा कहले कि रानी बुझा था कि गुरु के कृपा हो गई। बाबू अरे समय आवे लागल बाबू नदी कावे लागल चारों भाई राम के जन्म किंग भइल ई कथा रुआ आगे मिली मानस रूपी सरोवर हो इमे स्नान ई हमने के तबे संक्षेप में कथा कहतनी ऐसे कि पूरा मानस करुआ सवाद चीख ली ए गंगा में ए सुरन में स्नान करी मान और रूपी शरीर के तारे के बा तो यही में स्नान करे के पड़े। तब बाबू रे को सोहर के भाव लागल बा। बसा भाई संसार में औरत सबसे उत्तम होले ए दुनिया में सबसे उत्तम औरत होले ऐसे भारत में नारी के प्रधानता दिहल गई बा। औरत ना रही तो सृष्टि ना भई रही देख चाहे हमने के माई होके संसार की यानी कौनो नारी होके एक और एगो नया जन्म हो जाला जब इस सृष्टि के उदेली तो तीनों रानी का मन कैसन करता कि घरवा से निकले रनिया तो लौट भी खा रवली हाला
समय आवे लागल, करीब आवे लागल, एक मास, दू मास, तीन मास, पांच मास, यानी नौवा मास बीतल, तो देखा बाबू नया जन्म औरत के किंग हो जाला कि घर में से निकाले राजा जी। अरे मानव सरोवर है बाबू, डुबकी लगाओ, सभे लगाई, बसा भाई आबो दिन वह बैठा हुआ साइड में, तस्लीम बाबू स्नान करो, हरि के चरण से प्रेम करो, गुरु के कृपा से देखो है राम चारो भाई के अवतार होके जाती है। ये बात के फिर तुलसी बाबा लिखा तारे कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि चैत के महीना रहे, राम चारो भाई के अवतार होके जाता, लोग कहला जन्म भइल, जन्म भइल, अवतारो भइल, प्रगटो भइनी, अब वहां के अपार कृपा बा, हमनी मूर्ख आदमी का जानतनी कि हरि के कैसे आगमन हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस देख राम के चैत के महीना में 12 बजे दिन में कृष्ण भगवान के 12 बजे रात में तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 12 बजे दिन में का ईश्वर के कृपा बा, बताओ ना टाइम कितना फिक्स बा।
मध्य दिवसे अति शीतन घामा न जाड़े बा आ न गर्मी बा। आय हाय हाय का कृपा बा प्रभु के। मध्य दिवसे अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। रामचरण भाई के जब अयोध्या में अवतार भइल तपेश्वर भैया, आय हाय हाय हाय, अयोध्या में हरिया जब बाजल, अब राजा के खुशी के ठिकान बा। बस आ भाई सोचो, जेकरा एगो बेटा ना रहे ओकरा चार गो बेटा भइल, कतना खुशी भइल होई। आ वो चौथापन में, तीन पौन बीत गल, चौथापन जब आ गई आ तब बुढ़ारी में थारी बाज। जेकरा बेटा ने के ओकरा से पूछे ने बेटा के मरम कैसन होला, हैं लो जेकरा संतान नहीं खे आ ओकरा मान ला कि प्रभु के कृपा भइल, गुरु महाराज के कृपा भइल, आ छत पर सुतल बा जाके के कह दे भाई ए पाणी जी रुआ बेटा भइल बड़े। इतना ना खुशी होई, इतना ना खुशी कि छत के नीचे गिर गए तब उनको चोट ना लागे। बेटा कैसन खुशी हो तब बाबू रे, ता राजा के भमर भले चार गो ललनवा बड़ा निक लाग। रामचरण भाई के अयोध्या में अवतार भइल, सारा लोग द्वार पर पहुंचल बा, भाट पवरिया नचनिया बजे, जेकरा जेंगा भाव बा ओहिंगा अपना भाव में आके महाराज के दरबार में जे जोहे बा तोहे नाचते। अरे हमार बाबू कैसे खुशी के ठिकान रही, बुढ़ारी में थारी बाज गई बो बरे नाग रही तो कहिया रही है, एगो बेटा का तिराजा रो तरह चार गो बेटा भी तो अब कहिया रही है। हाय हाय हाय, देखो तब तक ले राजा कितना ना खुशी भइल कि राजा दौड़ल अपना से गइले धगरिन की है। आ जाके देखी सम्राट अयोध्यापति नरेश कितना बेटा के आनंद आई रहे कि महाराज स्वयं के आ गइले धगरिन के दरवाजा पर, कहले कि धगरिन 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 आय बा। तो धगरिनिया जाना तेर के राजा के यहाँ बेटा के होनिहारी रलो, हमरा बुझा था कि वह काम भइल। महाराज कन की धगरी धगरी हमरा किया चल बेटा भइल बाड़े, कहते हाय 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 हाय, दिन भर में 32 बेर गईनी, अरे वा बेबोलावले गईनी, लेकिन आज जाए का जौना पर रानी लो चढ़ के आई लो डोली ले आए। हाय हाय कहत ये धगरी निया, हम अकेले आदि राजा, अरे रानी वाली डोलिया, अरे तब जाई राजा रौ रो भावना। राजा कहले करे धगरी जौन मांगू तर तारा मुँह मांगा मिली, चल हमरा किया एगो बेटा का ती तरसना रला चार गो बेटा भाई। कहले बाप रे बाप, राजा के द्वार पर बुझा तक मिला लागल। बचिया गाओ तारी शंका कि हमार बबुआ, अरे हमार बबुआ भैल जस चान खेल बहरी जो, हमार बबुआ भैल जस चान खेल।
में कुछ लोग सोहर गावेला, बुढ़िया गावली सा तारकेश्वर जी गाव तारी से सुन गाव तारी सन कि हम तो से पूछी ले को समाज कोनो भूल चुक भाइलो के कृपया क्षमा करब। अब चौहान भाई से देखी जन्म के बाद आगे का लीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम करतानी। धन्यवाद सबको के नमस्कार। भगवान चारों भाई के अवतार रहे लेकिन भोजपुरी में उनके व्यास जन्म को भी कह दिले तुकबंदी ना बैठेला अवतार से तो जन्म कह दी। अच्छा बाबू जी भगवान का जन्म सुन के भोलेनाथ खुश हो गए। दर्शन करे खाती कागभूषुंड जी भोलेनाथ जी अरे सारा देवता देवी की लिए अवतार श्री रामचंद्र अयोध्या में चारों भाई महान
फूल बरसाने लगे देवता लोग चढ़ के आसमान में अपना अपना विमान। देवता लोग फूल बरसा होता तो देव लोग फूलावा पूरी सुबूली तो का बारा निकलागी राम तका भई। अरे देव लोग फूल बरसाल तो बारा निकला भगवान राम अवतार ले लगे तो सूरज खानदान के राम अवतार ले लगे तो काहे रामचंद्र कहल गई। ए बाबू जी एक विचार करी हाँ उनका लिखे चाहिए सूरज वंश हाँ राम सूरज सूरज वंश में अवतार लेते हुए रामचंद्र क्यों लिखाया जी। हमने ढूंढते ढूंढते ये बात को कहीं जरूर अब पाया जी। रामचंद्र कहे लिखाई एक महीना के एक एक दिन हो गए सारा देवता लोग दर्शन करे एक महीना दिन हो गए एक महीना चंद्रमा जी इंतजार कर ले कौन ची कि कब हुई है हमारा हरी के दर्शन। चंदा मामा सोचता नहीं कब हुई है हमारा हरी घंटा सूर्य के पहरा रहे कुबेर धेरा न होके हरदम रहे हमाना। चंदा जी सोतनी कि कब हुई है हमारा राम से दर्शन माना कि कब हुई है हमारा हरी के दर्शन बाबूजी एकरा पहले दर्शन जो बात बताओ तो लेकिन बात याद कर रामचंद्र का हरिखा उनके सूर्य वंश के हों। जब चंद्रमा जी सबसे लास्ट में अले तो भगवान से कहे कि सरकार हमारे तो देर हो गए तो कहे कि हाँ लेकिन तू बहुत इंतजार कर बड़ा का चाहता रहा बोलो कहे कि मालिक है अपना नाम में हमरो नाम जोड़ देती। तो भगवान श्री राम कहे केरे चंद्रमा तू इतना तपस्या कर एक महीने इंतजार कर लो तो जा आज से लोग कही रामचंद्र इस चंद्रमा में जोड़ा गए आहा ये मत बुझे कि रुआ पछुआल बनी रउआ पछुआल में तो ना मिली आहा पछुआल को बहुत मिलेगा लेकिन भोले बाबा दर्शन करे चाहते कौन भोले बाबा आय है भोले बाबा के का लीला कहबो जोगी के रूप धरले कहे के बात बा एगो भाव आ गई कि आय हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा आय हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा सब त मूर्ति न मंदिर के भीतर बा मंदिर के भीतर बा आई हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा आई हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा।
दर्शन करे चाहतनी एकरा के भोला कह देना दिन भर खाले भोला भांगावा के गोला केहू कहे शिव शंकर केहू कहे भोला दिन भर खाले बाबा भांगावा के गोला केहू कहे शिव शंकर केहू कहे भोला भभूति लगावो सुनका खातिर सेंटर इतर बा हमार भोलेनाथ जन भभूति लगाइले हमरा यह बुझाता कि भभूति लगावो सुनका खातिर सेंटर इतर बा आई हो दादा कैसन बाबा के चरित्र बा आई हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा भोला दानी संग ही भवानी जहाँ रस भोला बाबा संग ही भवानी जटवे में बहली रे गंगा जी के पानी जहाँ रस भोला बाबा संग ही भवानी जटवे में बहली रे गंगा जी के पानी आए है ओ भोले बाबा के चरण में वही रे चरणिया में सब तो पवित्र बा भोले के चरणिया से सब तो पवित्र बा आई हो दादा कैसन भोले के चरित्र बा आई हो दादा कैसन भोले के चरित्र बा बाबूजी वह भोलेनाथ भगवान राम के दर्शन कर चलते नहीं कौन रूप में तार किशोर बाबू रूप में एगो खजड़ी में गा ले की अरे जोगिया के भेसबा हो धैले भोला बाबा चली भैले भोला बाबा चली हो भैले राजा दशरथ दरबार नु हो बसा भैया हो ए बसा भाई हम लड़काई में हम अपन बाबूजी के देखले मनी गाँव तनिया के खजड़ी लेके आई लैया जादे गए जोगिया के रूपवा हो धैले भोला बाबा चली हो भैले भोला बाबा चली हो भैले राजा दशरथ दरबार नु रे कीरा महे राजा दशरथ दरबार नु राम अरे बाबूजी यहाँ प्रमाण मिलता कि भगवान राम की वही पर हनुमान जी से दर्शन हुए काहे कि जोगी बाबा हनुमान जी के बंदर बना के आ लेले करे संगे वनले मतारी हो बाबा ओस लिखलाड़ी हो बाबा ओस लिखलाड़ी हो बाबा अब सुननी आगवा के बयान होरा कि रामा हो अब सुननी आगवा के बयान होरा जोगी के रूप धारण करके भोले बाबा प्रमाण मिलता कि हनुमान जी के संगे ले गए प्रमाण मिलवा हमरा कि हनुमान जी के संगे ले वही पर भगवान हनुमान से दर्शन हो गए मिलान हो गए लेकिन बात यहाँ बा कि जोगी रूप धारण करके बाबा जाके डिम डिम डमरू बजाओ तनी गाओ ले लो कि हम जोगी रे अरे हमार जोगी अरे हमार जोगिया तारकेश्वर बाबा तो डिम डिम डमरू बजावे अरे वो है हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजा
बाबा डिम 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 डिमिक डिमिक डिम डमरू बाबा के बोले ये बबुआ डमरू बाबा के बोले जब डमरू के आवाज डमरू के आवाज श्री रामचंद्र सुननी कि शंकर जी आगे दुनिया अरे आ गईले दुनिया के जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ले हमार जोगिया डमरू बजावे ले हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ले हमार जोगिया बाबा दुआर पर मदारी के खेला देखो बनी आय है है अब भगवान राम उन्हें रोए लग गए हरि के अब हरि का ना जानत नहीं जान गए कि आज हमनी के मालिक है यह तो बात बुझे कबा विष्णु भगवान बुझे लेकिन शंकर जी बड़ शंकर जी बोले कि विष्णु जी बड़ विष्णु जी बोले कि राम जी बोले कि विष्णु जी बड़ अब के बड़ रहे जब ओहिल में ना फरिए तो हमनी के का फरिए ई सब जाना ब्रह्मा विष्णु कृष्ण महेश गणेश कार्तिक ई सब जे बा हमरा कति परमेश्वर हो आ ओकर चेला तपेश्वर हो वो सबके चेला तपेश्वर हो आय है है बाबा डमरू बजाओ तरी रोवता रे सुसुक सुसुक आ सुसुकी राम घलबा में रोवता रे अरे सुसुकी राम घलबा में रोवता रे सुमित्रा फिर मकड़ के बाबू के का हो गई बाबू कहे रोत रहे बाबू का हो गई भगवान राम रोत रही के लड़का ले रोवेला मास्टर कहा हाँ बच्चा ले रोवेला भगवान राम लीला के नितार को सुबह भगवान शंकर डमरू बजाओ तनी भगवान राम मांगने में रोत नहीं कुशिल्ला जी सुमित्रा जी केकई जी माता लो फेर में पड़ल बा कि हमारा बबुआ के हू अरे हमारा बबुआ के काय भइले कि इतना छरिया गई कहे कि हमारा बबुआ के काय भइले कि इतना छरिया गईले वही में केहू कहलकी कुशीला माता चली ना हो जोगी अब बाबा से देखा दी चली ना हो जोगी अब बाबा से देखा दी कि कौनो टनियाले नहीं क्या ई हो बात बता दी बाबा बता दी वही जोगी बाबा से नू वही जोगी बाबा से अब बबुआ के देखाइबू तब बाबू चुप हो जाई है आय हाय हाय ले ली माता कुशिल्ला भगवान राम प्रणाम करे रामचंद्र जी होता नहीं आज जे भगवान चरण के छू के आ कल के जोगी बाबा है देखवा हमारा बबुआ का भइल बा जोगी बाबा कहले कि कहां बातें देखी तो अरे काहे रोवता रहा मरी अरे बबुआ कौने तकली फावा अरे भोला बाबा गोदी में खेलावे ले दर्शन पावे ले अरे भोला बाबा गोदी में खेलावे ले दर्शन पावे ले भोलेनाथ जी आजे कहने की ली तमाता कहाँ बगुआ को कुछ भेजवा आजे भगवान राम जे भगवान राम की फिर कुशिल्ला जी की पूरा में गई फिर रोवे लगने अब जोगी बाबा अपन चलते नहीं हनुमान से दर्शन भगवान कहनी
जोगी बाबा जब चल देने तब हल्ला हो गई कि बबुआ का टोनिया के जोगिया भाग जाता है। आहा अरे केना कहले जोगिया खोजो तो बट लो किया हो राम हरी के हो इच्छा के अब जान लये किया है राम हरी जी के हो इच्छा के अब जान लये जोगी बाबा के जाके फिर थलिए लो क्या है जोगी चलो महाराज का दिस रानी का दिस तू का लेके कह दल फिर भगवान शंकर कही कि हाँ जय हो प्रभु। आ फिर जब ऐनी आ दर्शन कहनी कही कि सरकार कितना बार परेशान कर ली तब फिर भगवान राम चुप हो गई नी ऐसे देवता लोग दर्शन कही भगवान शंकर दर्शन कही नी आय है है देखी कितना खुशहाली भाई महाराज दशरथ जी के अंगना में भगवान राम अब धीरे धीरे जैसे अब हमने पर बीतल बा जैसे भगवान अब धीरे धीरे तनी बढ़े लगनी माओ बन लगनी देखी काग भूसुंडी जैनी दर्शन कैनी जूठ खैनी आय है तक कह जाए कि धीरे धीरे बबुआ से ज्ञान हो के लगल अरे धीरे धीरे बबुआ से ज्ञान हो के लगल धीरे धीरे बबुआ सियान होके लगल आ धीरे धीरे प्रभु जी लीला हो जवान होके एक दिन का बात है बाबू जी कौशल्या जी पूजा करते नहीं अब पूजा करते में का देखनी कि भगवान राम के झूला पर झूला ले बनी आ देवघर में पूजा करते नहीं तो जब पूजा करते तो देखते कि देवघर में लड्डू खाता रहे दौड़ का होते तो देखते कि झूला पर झूलत रहे फिर जाते तो लड्डू खाते रहे इन्हें होते तो झूला झूलत रहे गोस्वामी लिखनी इहा उहा दुई बालक जब देखा अमति भरम मोर किन्ह विशेषा इहू जा राम लोग कतरे देव देव घर में राम लोग कतरे फिर झूला पर राम लोग कतरे इहा उहा बालक जुई देखा मति भरम मोर किन्ह विशेषा भगवान राम देखनी जे माता खड़ा बनी त देख राम जननी अकुलानी तब प्रभु मधुर मुस्कानी देख राम जननी अकुलानी तब प्रभु मधुर मुस्कानी तो हरि के चरनिया में अब सभे ध्यान लगाई भाई ओह दिन जान गईली कि भगवान हुए अरे जननी कोसिला माई जी भगवान जब मुंह बोनी कहने की माता ई रूप के हुकमत कह जाई सब को सिलेज के लिए भगवान कुछ ओह दिन जान के लिए भगवान हमे के जानल कोसिला माई बबुआ जी का राम उर्पवा जब दिहले देखाई बबुआ जी बाबा उर्पवा जब दिहले देखाई बबुआ जी हमरा गिरी बाबा से कथा सुनाब वही बरा भगवान के बारे में कुशिला जी जान गई कि भगवान ही हमारे लैका ना हो इ तो प्रभु के अवतार हो लेकिन बात केहू से कहे के नहीं खे बोल सियापति राम चंद्र की